A very pleasant morning to one and all. Today is 28th January 2021. In the previous class, we had started the writing skill, that is letter writing. पिछले क्लास में हमने लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ा था एंड वी हैव लर्न दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर्स. हमने पढ़ा था दो तरह के लेटर होते हैं. फर्स्ट इज पर्सनल लेटर, जिसे इनफॉर्मली कहते हैं. पर्सनल लेटर इज आल्सो नोन एज इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर, ओके. एंड द सेकेंड वन इज द ऑफिशियल लेटर, और वी कैन से फॉर्मल लेटर. दो तरह के लेटर्स होते हैं, एक पर्सनल लेटर्स होता है और दूसरा ऑफिशियल लेटर होता है. पर्सनल लेटर को हम इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं और ऑफिशियल लेटर्स को हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं. इन पर्सनल लेटर और इनफॉर्मल लेटर्स वी कैन राइट लेटर टू आवर पेरेंट्स, टू आवर फ्रेंड्स, टू आवर रिलेटिव्स, अंकल, आंट, एनीवन. पर्सनल लेटर में हम अपने पेरेंट्स को लेटर लिखेंगे, या फिर हमारे दोस्त को, या फिर हमारे रिश्तेदार को, चाहे वो अंकल, आंट, कजिन ब्रदर, कजिन सिस्टर, क्यों ना. ओके, तो कल हमने देखा था कि दो तरह के लेटर होते हैं और उसका एक फॉर्मेट बताया था. आज वापस उसको रिवाइज करेंगे, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मेट पता नहीं होगा तब तक आप प्रॉपरली लेटर नहीं लिख सकेंगे, ठीक है ना. सो पर्सनल लेटर्स इज हैविंग फाइव पार्ट्स. इसके फाइव पार्ट्स होते हैं. द फर्स्ट पार्ट में हमें एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिखना है, राइट. फर्स्ट हमें अपना एड्रेस लिखना है, योर एड्रेस. आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एड्रेस लिखेंगे, ठीक है ना. तो उस एड्रेस में आप जैसे ये कॉलोनी, ये स्ट्रीट, लाइक दैट. उसके बाद शहर का नाम, सिटी का नेम आना चाहिए. वो एड्रेस भी आपका टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड कॉर्नर में होना चाहिए. एड्रेस कहाँ लिखना है? टॉप मोस्ट लेफ्ट हैंड कॉर्नर, लेफ्ट साइड में, कॉर्नर में आपको एड्रेस लिखना है. ये एड्रेस, ये सिटी का नाम चित्तौड़गढ़, लाइक दिस. इस तरह से हमें एड्रेस लिखना पड़ेगा, राइट. इस तरह से लिखना है. उसके बाद, एड्रेस के बाद हमें ग्रीटिंग करना है, ठीक है. सेकेंड पार्ट है हमारा ग्रीटिंग, द ग्रीटिंग, राइट. ग्रीटिंग्स में आप डियर, मॉम और अंकल, ठीक है ना, फ्रेंड, डियर फ्रेंड, आप कुछ भी कर सकते हैं जो आपको डियर से स्टार्ट करना है. थर्ड पार्ट इज द बॉडी ऑफ द लेटर. द बॉडी, थर्ड पार्ट क्या है आपकी? बॉडी ऑफ द लेटर, राइट. थर्ड पार्ट इज योर बॉडी ऑफ द लेटर. दिस बॉडी ऑफ द लेटर होल्ड्स द रीजन व्हाई यू हैव रिटन योर लेटर. इस बॉडी में आप ये लिखेंगे कि आप किस कारण से ये लेटर लिख रहे हैं, आपका क्या मकसद है लेटर लिखने का, ठीक है ना. एंड डिवाइड द बॉडी ऑफ द लेटर इन टू पैराग्राफ्स. हम जब बॉडी लिखेंगे तो हम छोटे छोटे पैराग्राफ्स में इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है ना. देन हम लास्ट में लिखेंगे क्लोजिंग. नंबर फोर पार्ट इज द क्लोजिंग. क्लोजिंग बराबर, द क्लोजिंग इज द फर्स्ट वर्ड. द क्लोजिंग का फर्स्ट वर्ड होगा वो ऐसे आएगा, यूअर्स. कोई एपोस्ट्रोफी, कोई कॉमा का साइन नहीं आएगा. यूअर्स सिंसियरली और यूअर फ्रेंड, ऐसे लिख सकते हैं आप, यूअर फ्रेंड. देन लव, ऐसे कुछ भी कुछ, ऐसे देखिए क्लोजिंग करना है. लास्ट में एट द एंड, नंबर फाइव, एट द एंड योर नेम शुड बी देयर. आप अपना नेम लिखें. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ अ इनफॉर्मल लेटर और पर्सनल लेटर. पर्सनल लेटर या इनफॉर्मल लेटर लिखने का ये एक तरीका है कि आप किस तरह से लिख रहे हैं. फर्स्ट एड्रेस, देन ग्रीटिंग्स, देन बॉडी ऑफ द लेटर, फिर क्लोजिंग, देन योर नेम्स और योर नेम विल बी देयर, राइट. सो इन दिस मैनर वी कैन राइट द इनफॉर्मल लेटर. यस्टरडे आई हैव गिवन यू वन एग्जाम्पल, टुडे आई विल गिव वन मोर एग्जाम्पल टू प्रैक्टिस इट. आई विल सेंड यू इन द क्लास ग्रुप, नोट इट डाउन दैट लेटर, दैट विल बी बेनिफिट फॉर यू. ओके, थैंक यू सो मच.